सीएम शिवराज ने किया ऐलान, पुलिस कर्मियों को दिया तोहफा। जानिए क्या कहा सीएम ने। मध्य प्रदेश में इस समय सौगातों की बौछार आई हुई है, तभी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक तोहफों की झड़ी लगाए हुए हैं। अब सीएम शिवराज सिंह ने शुक्रवार रात सीएम हाउस में आयोजित पुलिस परिवार समागम कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को वीकली ऑफ देने के साथ साथ कई और ऐलान किए, सुनिए। हम ये तय कर रहे हैं कि सभी थानों में पदस्थ आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के सभी ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके शासकीय वाहन नहीं हैं और जो इस तरह की ड्यूटी करते हैं कि उनको अपराधी की धरपकड़ के लिए या विवेचना के लिए जाना पड़ता है, उनको प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल भत्ता दिया जाएगा ताकि वो ढंग से अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर सकें और जेब पे भी उनके आर्थिक बोझ ना आए। वर्तमान स्थिति में खाद्य सामग्री की कीमतों को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार भत्ते में भी हमने वृद्धि करने का मैं फैसला कर रहा हूँ। ये 1,000 रुपया प्रतिमाह किया जाएगा। हम फैसला कर रहे हैं कि हमारे आरक्षक और प्रधान आरक्षक को मिलने वाले वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रतिवर्ष किया जाएगा। बाकी राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतन मान मिल चुका है, लेकिन हम केवल चौथे पद अटके हुए हैं और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पंचम वेतन मान दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों को लगातार कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान निःशुल्क भोजन की पात्रता है। वर्तमान में पूरे दिन के लिए मतलब नाश्ता, लंच, डिनर तीनों को मिला के मिलते 70 रुपया और इसलिए मैंने निर्णय लिया है निःशुल्क भोजन भत्ता की दर बढ़ाकर 100 रुपया प्रतिदिन किया जाएगा। हमने निर्णय लिया है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुलिस कर्मियों का प्रतिवर्ष हेल्थ चेकअप, मेडिकल चेकअप किया जाएगा और इसके लिए कहीं से भी हो चेकअप करवाए, निर्धारित जांच किसी भी लैब से करवाए, इसके लिए प्रतिवर्ष 2,000 रुपए की व्यय की पूर्ति अलग से की जाएगी ताकि उनके पूरे हेल्थ का चेकअप हो सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।